हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राम मंदिर से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों, राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है और इसी दिन इस मंदिर की आधारशिला भी रखी गई है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को बचाते हैं और टॉपिक पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक, श्री राम मंदिर की जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5 अगस्त 2020। तो दोस्तों, इस डेट को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर के जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसने किया? तो इसका सही आंसर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये, अयोध्या श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? इसका सही आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या श्री राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी को सौंपा गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो। दोस्तों, याद रखिएगा, ये वही कंपनी है जिसने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, श्री राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है महंत नृत्य गोपाल दास। क्या है दोस्तों? महंत नृत्य गोपाल दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री राम मंदिर में कौन सा वृक्ष लगाया है? दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका सही आंसर है पारिजात। याद रखिएगा, पारिजात का ये वृक्ष है जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा श्री राम मंदिर में लगाया गया है। अयोध्या श्री राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? आंसर है इसका 161 फीट। अयोध्या श्री राम मंदिर में कितने गुम्बद होंगे दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा 5। अयोध्या श्री राम मंदिर कितने मंजिल का होगा? आंसर है इसका 3 मंजिल। राम मंदिर निर्माण के लिए कितने खर्च का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 300 करोड़। दोस्तों, ये लगभग में है, ये थोड़ा ऊपर नीचे यानी कि कम या ज्यादा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कितने समय में होगा यानी कि कितना समय लगेगा? तो इसको बताया गया है कई सोर्सेस से 3 से 3.5 साल का इसमें समय लगने वाला है। चलिए दोस्तों, कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अयोध्या किस राज्य में है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सही आंसर है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो सही आंसर होगा इसका आनंदीबेन पटेल। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सही आंसर इसका सरयू नदी। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैजाबाद। अयोध्या राम मंदिर के विवाद में सुनवाई कितने दिनों तक चला था? सही आंसर इसका 40 दिन। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन का था? सही आंसर इसका 2.77 एकड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर विवाद का फैसला सुनाने में कौन कौन से जज शामिल थे? आंसर है इसका रंजन गोगोई, अब्दुल नजीर, अशोक भूषण, S.A. बोबड़े और D.Y. चंद्रचूड़। अयोध्या राम मंदिर विवाद के फैसला सुनाने में अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है रंजन गोगोई। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद बनाने के लिए कितने एकड़ जमीन दी गई? इसका सही आंसर है दोस्तों 5 एकड़। अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? इसका सही आंसर है राम जन्मभूमि न्यास। अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? आंसर है इसका 5। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है इसका P.V. नरसिम्हा राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? इसका सही आंसर है 5 नवंबर 2019। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर है 9 नवंबर 2019। दोस्तों, आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।